पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ गए की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो 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 प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है, और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है, और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है। जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 करोड़ से अधिक गांव में धन से संबोधित रथयात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ देखें तो एक वीर व्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रती के रूप मंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता याद Thank you.
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त, आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंधर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था।